देखो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या वायुमंडल? और वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे हम आज। वायुमंडल ठीक है। तो देखो ये वायुमंडल क्या होता है, देखो एक चीज देखो वायुमंडल। तो वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो देखो वायुमंडल में क्या होगा, एक तो होगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल में चार गैस बनी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, आर्गन। आर्गन तो देखो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस होती है हाइड्रोजन 78%, ऑक्सीजन होती है हमारी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, आर्गन होती है हमारी 0.09%। ठीक। तो वायुमंडल में है, वायुमंडल में ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ चार गैसें हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक। तो ये तो मैंने तुम्हें वायुमंडल बता दिया। वायुमंडल जो हमारा है वो 10,000 किलोमीटर, कितना, 10 इकाई 2.5 सेकंड आ जाए, 10,000, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर में फैला है। ठीक है। वायुमंडल जो हमारा है वो 10,000 किलोमीटर में फैला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल की परतें हैं, परतें हैं। जैसे कि ये कोई परत है, फिर ये दूसरी कोई परत है, ये ऐसी वायुमंडल में पांच परतें हैं। उन पांच परतों को हम पढ़ाएंगे। अब तुम्हें देखो बिल्कुल अच्छे से ये समझ गए ना, देखो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल कुछ नहीं है, वायुमंडल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये गैसों, ये जो गैसें हैं ना ऊपर सिर्फ यही गैसें हैं। ठीक। उसी को हम क्या बोल देते हैं, वायुमंडल। इसके बाद देखो हम इसे हटा रहा हूँ, अब इसके बाद समझो। देखो जो वायुमंडल में परतें हैं, ऐसे हम यहां पे लिख रहे हैं वायुमंडल की, वायुमंडल की परतें। ठीक। तो देखो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पहली है हमारी और दूसरी तीसरी, ऐसे करके देख लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी। ठीक। तो ये हमारी हैं क्या, परतें। अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली परत है हमारी, देखो क्षोभ, क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। एक चीज याद रखना, और ये है हमारी समताप मंडल, दूसरी वाली। तीसरी है हमारी मध्य मंडल। कौन सी? मध्यमंडल। चौथी है हमारी आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। पांचवी है हमारी बहिर्मंडल। कौन सी? बहिर्मंडल। ठीक। मैंने लिख दी, पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और पांचवी है बहिर्मंडल। तो देखो ये मध्य मंडल का मतलब है बीच वाली। अगर हम ऊपर वाली परतों को पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे एरोलॉजी। अगर ऊपर वाली परतों का अध्ययन करेंगे यहां से ऊपर वाले की तो एरोलॉजी, और इससे नीचे वाली परतों का अध्ययन करेंगे तो बोलेंगे मेट्रोलॉजी। ठीक। मेट्रोलॉजी समझ के, ऊपर वाली परतें एरोलॉजी और नीचे वाली परतों को मेट्रोलॉजी। ठीक। अब एक एक करके बात करेंगे क्षोभ मंडल। तो देखो क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये जीरो से लेके कितना, जीरो से लेके 18 किलोमीटर तक होती है। कौन सी? क्षोभ मंडल। जीरो से लेके 18 किलोमीटर तक कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी वो सब क्षोभ मंडल में होंगी। क्या? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी वो क्षोभ मंडल में होंगी। जैसे बारिश, बारिश हो गया, आंधी, तूफान, भूकंप, जितनी भी चीजें आएंगी बारिश संबंधी, बिजली का कड़कना। ठीक। ये सारी चीजें, बारिश, आंधी, तूफान, भूकंप, बिजली का कड़कना, जितनी भी चीजें होंगी ये क्षोभ मंडल में होंगी। किसमें? क्षोभ मंडल में। यहां पे सिर्फ एक चीज लिख लो, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम, मौसम
संबंधी, मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक, ये याद रखना आप। सौमंडल में क्या होगा, बारिश, आंधी, तूफान, भूकंप, बिजली का कड़कना, ये सब मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो सौमंडल में हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे समता मंडल की, ये होती है 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है, 18 से 50 km, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी होती है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। इसका क्या क्या होता है, समताप मंडल में हमेशा टेम्परेचर समान रहता है, टेम्परेचर जानते हो ना, हमेशा टेम्परेचर समान होता है, ठीक है, टेम्परेचर तापमान, क्या हिंदी में बता दूंगा आपको, तापमान, इसमें तापमान हमेशा समान रहता है। इसलिए तुम देख लेना तुम्हारे हवाई जहाज, ये है ना जो हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सब समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, हवाई जहाज, एरो, और ये वो तुम्हारे हवाई जहाज हो गए, जितनी भी उड़ने वाली चीजें हैं ना वो सारी चीजें किसमें उड़ेंगी, समताप मंडल में, ठीक है। तो तुम ये मत बोल देना ये कौआ चले गया तुम्हारे समताप मंडल में चले जाएगा, ठीक है। तो 18 से 50 किलोमीटर जो है ना वो किसमें उड़ेंगे, समताप मंडल में, यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल में एक चीज होगी मालूम है क्या, ओजोन परत, क्या ओजोन परत, यहाँ पे क्या है, ओजोन, ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक, ओजोन परत। और इसकी क्या मध्य मंडल की होगी, 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है, 50 से 80। इसकी ओजोन परत इसमें क्या होगा, देखो ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत हमारी मध्य मंडल में है, और देखो परावैगनी किरण है, जानते हो परावैगनी किरण है, सूर्य के, सूर्य से आती है, कौन सी परावैगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट परावैगनी किरण है, परावैगनी किरण है, ये क्या कर रही है, ये ओजोन परत को खराब कर रही है। और जब ओजोन परत खराब होगी तो यहाँ पे चेचक, जानते हो मुंह पे खसरा, ये बड़ी अजीब अजीब बीमारियां आएंगी पृथ्वी पे। और ये खराब कैसे हो रही है, ओजोन गैस, जानते हो अल्ट्रावायलेट बैगनी, ये गैस तुम्हारी जो टीवी होता है ना, ये तुम्हारे, हम टीवी बोल रहे, तुम्हारे जो फ्रिज होता है ना और एसी होता है, इनमें से एक गैस निकलती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, कार्बन, ये वाली जो गैस है ना ये क्या करती है, हमारी ओजोन परत को खराब कर रही है, ये वाली क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत को, ये ओजोन परत है ना ये खराब हो रही है। अगर ये परत खराब हो गई तो पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं ना इन्हें बड़ी अजीब अजीब बीमारियां होंगी और वो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, किससे, ये ओजोन परत के खराब होने से, ठीक है। तो ओजोन परत है कहाँ पे, मध्य मंडल में, यहाँ पे मध्य मंडल में है। तो क्लोरो फ्लोरो जो कार्बन गैस है ये निकलती कहाँ से, जानते हो आपका एसी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, इनमें क्लोरो फ्लोरो गैस आती है, ठीक है, गैस होती है, ठीक है, वो ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे आयन मंडल की। देखो आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में, तो आयन मंडल में आप याद रखना रेडियो तरंग है, क्या रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग है। अब हमें एक बात बताओ कि जो तुम छत पे जाते हो ना और जो टीवी की छतरी होती है ना, किसी की टाटा स्काई है, किसी की कोई है, तो तुम ऊपर जाके उसे हलाते हो, ऐसे ऐसे करके हलाते हो, और हलाने के बाद ऐसे ऐसे उसका वो मुंह होता है ना, वो उसे पकड़ के ऐसे ऊपर लगाते हो, एक बात बता ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम नीचे चिल्लाते हो कि देखो आ गए नेटवर्क, आ गए देखना, वो आ गए सिग्नल, आ गए चैनल, आ गए। तो ऊपर किससे पूछ रहे हो, नीचे पूछते हो कहाँ से आ गए, ऊपर कहाँ से आ गए, ऊपर तुम कुछ लगा के आए थे क्या जो ऊपर से आ गए है? जब तुम मान के चलो बंद कमरे में तुम कहीं पे बात कर रहे होते हो और तुम्हारे फोन के सिग्नल नहीं आते, तुम बोलते हो नेटवर्क नहीं आ रहे, और जैसे तुम छत पे चले जाओगे तो तुम्हारे सिग्नल आ जाएंगे, क्यों, छत पे तुमने कोई टावर लगा के रखा है क्या जो तुम्हारे वहां पे आ जाएंगे। तो रेडियो तरंगें जो होती हैं मोबाइल की या तो टाटा स्काई की छतरी की, वो सब रेडियो तरंगें कहां से हमें मिलती हैं, आयन मंडल से। तो रेडियो तरंगें याद रखना जो तुम्हारे नेटवर्क होते हैं, फोन के नेटवर्क हो गए या तुम्हारे ये मतलब टाटा स्काई छतरी के ये हो गए नेटवर्क, वो सब कहां से आएंगे, वो खूब सब याद रखना कहां से, आयन मंडल से। वहीं से तो तुम लगा दो, जैसे ही तुम्हारा उसका आयन मंडल से कनेक्टेड हो जाता है उसका तुम्हारा छतरी का, वो वैसे ही तुम्हारे सिग्नल आ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे फोन के नेटवर्क आ जाते हैं, तभी तुम्हारा ये नेटवर्क धनाधन जियो चलने लगता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बहिर्मंडल की बात करेंगे, किसकी, बहिर्मंडल की। देखो बहिर्मंडल में क्या होता है, इस बहिर्मंडल में
इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षण किया जाता है मिसाइलें, जानते हो आप मिसाइलें, जो तुम्हारी ये मिसाइलें होती हैं इनका परीक्षण किया जाता है बहिर्मंडल में। ये जो मिसाइलें होती है ऊपर जाती हैं, उनका परीक्षण हो जाता है बहिर्मंडल में। तो तुम्हारा जो वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर में फैला है, ठीक है। मैंने सारी लेयर तुम्हें बता दी है, क्षोभ मंडल में क्या होता है मौसम संबंधी सारी घटनाएं, समताप मंडल में क्या होता है टेम्परेचर समान होता है, हवाई जहाज सब इसी में उड़ते हैं, फिर मध्य मंडल में क्या होता है ओजोन गैस, ओजोन परत है, ठीक है। तो ओजोन परत खराब किससे होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद मैंने आयन मंडल की बताई, तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे बता दी, और उसके बाद मध्य मंडल की बताई, तो मध्य मंडल में तुम्हें क्या बता दिया, तो उनका परीक्षण किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, आयन ओ मध्य मंडल में, ठीक ओ बाहर मंडल में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया।